नमस्कार, मैं बलराम सर्राफ, आपका अपना चैनल केआर न्यूज से। सीएम कॉलेज दरभंगा में पत्रकारिता कोर्स सत्र 19-20 का हुआ शुभारंभ। पत्रकारिता की बदलती भूमिकाएं एवं संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी में वक्ताओं ने रखे कई महत्वपूर्ण विचार। पत्रकारिता अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, इसमें चुनौतियों के साथ ही असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में युवाओं के सपनों को पंख लग सकते हैं। गद्य के विकास के साथ ही पत्रकारिता का भी विकास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अखबार निकालना बहुत ही खतरनाक था, फिर भी उस समय पत्रकारिता करना मिशन पर था, पर आज फैशन बन गया है। उत्तर पूंजीवाद के इस युग के मूल भाव की नहीं बल्कि अर्थ की प्रधानता बढ़ी है। यह बातें विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने सीएम कॉलेज में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित पत्रकारिता के सर्टिफिकेट कोर्स सत्र 2019-20 के नामांकित छात्रों के वर्गारंभ समारोह एवं पत्रकारिता की बढ़ती भूमिकाएं एवं संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि आज प्रशिक्षित पत्रकारों की अत्यधिक जरूरत है। समाज और अखबारों के बीच सोशल मीडिया काफी सक्रिय हुआ है, जिसकी खबरों का कोई तर्कपूर्ण प्रमाण नहीं होता। इस कारण खबरों की विश्वसनीयता खंडित हुई है। उन्होंने छात्र छात्राओं को सफल पत्रकार बनने की गुर सिखाते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि भारतीय पत्रकारिता का इतिहास गौरवमयी एवं सामाजिक सरोकार से संबंध रहा है। 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक स्वतंत्रता संग्राम में हमारी पत्रकारिता राष्ट्रभक्ति, एकता और अखंडता तथा सांस्कृतिक विरासत की रक्षक रही है, पर आज यह दिग्भ्रमित हो रही है। व्यवसायीकरण के कारण यह अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है, जो चिंतनीय है। प्रधानाचार्य ने कहा कि पत्रकारिता मरुभूमि में नाव चलाने जैसा कार्य है। सच्चे पत्रकारों का कोई धर्म और जाति नहीं होता, बल्कि वे संत सदृश होते हैं, जिनको किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या लोभ लालच नहीं होता। पत्रकारिता उजाला है, जो अपना बेहतर प्रभाव समाज पर जरूर दिखाता रहा है। विषय प्रवेश कराते हुए पत्रकारिता के शिक्षक डॉक्टर प्रीतम कुमार मिश्र ने कहा कि पत्रकारिता समाज व सरकार के बीच सच्चाई रखने का अच्छा माध्यम है। आज अखबारों के कई स्रोत उपलब्ध हैं, व्यवस्था बढ़ने के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। संगोष्ठी का विषय समसामयिक एवं समाजोपयोगी है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारिता करने के साथ ही पत्रकार बनाने का भी मुझे सुअवसर मिला। विशिष्ट अतिथि के रूप में पत्रकारिता के शिक्षक प्रोफेसर संतोष दत्त झा ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण से बड़ी उपलब्धियां को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने छात्रों को बेहतर पत्रकार बनाने हेतु हर संभव सहायता का संकल्प व्यक्त किया। सम्मानित अतिथि के रूप में उर्दू के प्राध्यापक डॉक्टर अब्दुल हेई ने कहा कि पत्रकारों को सच्चाई के साथ ही भाषा पर भी पूरी पकड़ तथा विषय की गहन जानकारी आवश्यक है। सफल पत्रकारिता हेतु छोटी बड़ी सभी खबरों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मुख्य वक्ता के रूप में पत्रकारिता के शिक्षक ललित झा ने कहा कि मिथिला सांस्कृतिक राजधानी है। पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं बल्कि शौक है। यह मात्र वृत्ति नहीं बल्कि प्रवृत्ति है। पहले धन बेहतर सामाजिक पारिवारिक जीवन जीने का मात्र साधन होता था, पर आज यह हमारा साध्य बन गया है। पत्रकारिता को संवेदनशीलता, जागरूकता, सूचनात्मकता, वस्तुनिष्ठता और विषय निष्ठता की जरूरत है। छात्रों की ओर से माधवी कुमारी, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद मुवाज हुसैन, नीरज कुमार तथा जयप्रकाश कुमार साहू ने विचार व्यक्त किया, जिन्हें प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही 2018-2019 के छात्र छात्राओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर इंदिरा झा, प्रोफेसर मंजू राय, डॉक्टर मीनाक्षी राणा, डॉक्टर संजीत कुमार झा, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधांशु कुमार, डॉक्टर रूपेंद्र झा, अमरजीत कुमार, राकेश कुमार, गोविंद कुमार, काजल कुमारी, जगजीत तथा विष्णुकांत सहित 80 से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया गया, जबकि संगोष्ठी का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आगत अतिथियों का स्वागत एवं कार्यक्रम का संचालन पत्रकारिता पाठ्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर आर एन चौरसिया ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रीता दुबे ने किया। आपको हमारा केआर न्यूज चैनल का समाचार यदि अच्छा लगा हो तो
आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे अलग अलग ग्रुप में भी शेयर करें। धन्यवाद।